परम पावनी माँ भागवती भागीरथी जिस प्रकार वह भागीरथी गंगा भगवान के मुख कमल से निस्सृत हुई, चरण कमल से निस्सृत हुई, उसी प्रकार ये भागवत भागीरथी भी भगवान के मुख कमल से निस्सृत हुई है। भगवान के आदिनारायण प्रभु के चरण कमल से निस्सृत वह गंगा विष्णुपदी कहलाती है, तो भगवान आदि नारायण के श्रीमुख से निस्सृत यह भागवती गंगा ये विष्णुमुखी है। वो विष्णुपदी है तो ये विष्णुमुखी है। उस गंगा को भी भगवान शंकर ने धारण किया और इस गंगा को भी भगवान शंकर ने धारण किया। उस गंगा को मस्तक पर धारण किया और इस कथा रूपी गंगा को भगवान शंकर ने हृदय में धारण किया। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई और शिव शीश धरी। सिर पर धारण की हुई उस गंगा को भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से बहाया, जटाशंकरी नाम हुआ, और इस कथा गंगा को भगवान शंकर ने हृदय में धारण किया था, फिर उसको जिह्वा से बहाया सुनाया। इसलिए वो जटाशंकरी है तो ये जिह्वा शंकरी है। ऐसी कथाएं मिलती है शिव पार्वती में, नित्य सत्संग होता है। शिव वक्ता हैं, पार्वती श्रोता हैं। घर घर में ऐसा वातावरण बने, क्या बात है फिर। घर घर में सत्संग हो, नित्य सत्संग हो, घर घर में प्रातः काल घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म हो, पूजा पाठ इत्यादि, और शाम को घंटा डेढ़ घंटा सत्संग हो। बड़ी बहू रामायण पढ़े, घर के सब सुने, बेटे की यदि रुचि हो तो बेटा पढ़े, पति की रुचि हो तो पति पढ़े और घर के सब सुने। लेकिन जो पढ़े वो शंकर होना चाहिए, सुने वो पार्वती। इसका मतलब है शिव मतलब विश्वास, पार्वती मतलब श्रद्धा। विश्वास बोले, श्रद्धा सुने, कथा का ये नियम है। वक्ता से विश्वास बोले, श्रोताओं में श्रद्धा सुने। तो विश्वास शंकर और श्रद्धा पार्वती की संतान है, वो गणेश ज्ञान स्वरूप है, तब ही ज्ञान प्रकट हो सकता है। कथा को भी हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। नित्य कथा चल रही है शिव पार्वती में। एक बार भगवान शंकर ने गीता के महात्म्य को सुनाया। गीता की महिमा सुन करके पार्वती के मन में गीता सुनने की इच्छा हुई। पार्वती ने भगवत गीता सुनाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करी। महादेव जी ने भगवत गीता सुनाया। नित्य कथा हो रही है तो अलग अलग विषयों पर निरंतर चर्चा हो रही है। यह नहीं कि महादेव जी ने केवल रामायण ही सुनाया, महादेव जी ने बहुत सुनाया है पार्वती को। वहां नित्य सत्संग चल रहा है। जब गीता सुना तो गीता के गायक श्री कृष्ण में पार्वती की रति हुई, तो पार्वती ने श्री कृष्ण की लीला सुनाने के लिए अनुरोध किया और तब महादेव ने भागवत सुनाया, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सुनाया।